हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर बटवाड़ा और विनोद खन्ना अमृता सिंह के रियल लव स्टोरी के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। हिंदी सिनेमा में साल 1966 से लेकर 1971 तक दो ऐसे स्टार ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा जिन्होंने अपने करियर में एक दूसरे को जमकर टक्कर दी। दोनों ने करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी। इनमें से एक थे विनोद खन्ना जो कभी अमृता सिंह के प्यार में दीवाने हुआ करते थे। दोस्तों 70 के दशक में राजेश खन्ना के अलावा विनोद खन्ना भी थे जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि उन्हें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर विलेन से की थी। देखते ही देखते गुजरे वक्त के साथ वह एक्शन हीरो बन गए। कामयाबी ने इनके कदम ऐसे चूमे कि यह सिर्फ इकलौते ऐसे एक्टर बने जो अमिताभ बच्चन को टक्कर दे रहे थे। दोस्तों विनोद खन्ना ने जिनत अमान के साथ भी कई हिट फिल्मों में काम किया है। उस दौर की तकरीबन हर एक्ट्रेस के साथ इन्होंने काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ तो इन्होंने परिवर्ष जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों स्टाइल और लुक्स के मामले में भी अमिताभ बच्चन को जबरदस्त टक्कर देते थे। यूं कहे कि एक कदम आगे ही थे। विनोद खन्ना ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था कि एक वही थे जो अमिताभ बच्चन को जबरदस्त टक्कर देते थे। एक पुराने इंटरव्यू में विनोद खन्ना से जब ये सवाल किया गया था कि जो फिल्में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की है उनके चलने का क्रेडिट पूरी तरह से अमिताभ बच्चन को ही मिला, इसलिए वो संन्यास पर गए थे। इसके जवाब में विनोद ने कहा, जो रोल मुझे मिला था मैंने वही किया था। मेरे रोल के बिना ये फिल्म हिट नहीं हो सकती थी। बता दें कि विनोद खन्ना अपने एक्टिंग करियर में अफेयर को लेकर भी खूब सुर्खियों में छाए रहते थे। फिल्म बटवाड़ा की शूटिंग के दौरान अमृता और विनोद खन्ना के अफेयर की खूब चर्चा हुई थी। दोनों के प्यार की उन दिनों खूब खबरें आम हुआ करती थी। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र भी कभी कभी सेट पर पेग लगा लिया करते थे। इसके अलावा हीमैन को पार्टी करना भी बहुत पसंद था। ऐसे में एक दिन धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को बुलाया लेकिन एक्टर ने इनकार कर दिया। यही वो वक्त था जब विनोद खन्ना और अमृता सिंह के अफेयर की खूब चर्चा होती थी। फिल्म बटवाड़ा के शूटिंग करने के बाद अमृता सिंह और विनोद खन्ना एक दूसरे के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करते थे। वही धर्मेंद्र अपना महफिल जमा कर बैठा करते थे। वह विनोद खन्ना का इंतजार करते थे लेकिन वह शूटिंग खत्म करने के बाद अपना सारा वक्त अमृता सिंह के साथ बिताना पसंद करते थे। इस बात से परेशान होकर धर्मेंद्र ने अमृता सिंह को एक दिन काफी भला बुरा कह दिया जो विनोद खन्ना को बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि वो धर्मेंद्र के साथ किसी तरह का भी विवाद नहीं चाहते थे इसलिए विनोद खन्ना वहाँ से जाने लगे मगर धर्मेंद्र फिर भी नहीं माने। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमृता सिंह की वजह से उस समय विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के बीच इतनी बहस बढ़ गई थी कि गुस्से में धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को धक्का दे दिया था। दोस्तों इसके बाद विनोद खन्ना ने धर्मेंद्र को कॉलर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, दोनों को इस तरह झगड़ते देख फिल्म इंडस्ट्री की टीम हैरान रह गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमृता सिंह की वजह से उस समय विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के बीच इतनी बहस बढ़ गई थी कि गुस्से में धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को धक्का दे दिया था। दोस्तों इसके बाद विनोद खन्ना ने धर्मेंद्र को कॉलर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, दोनों को इस तरह झगड़ते देख फिल्म इंडस्ट्री की टीम हैरान रह गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।